गाइज, जय श्री राम सभी को और सुरकंडा माता की जय हो। हम आज जा रहे माता के दर्शन में और हम हैं, मेरी वाइफ है रूपा जी, मेरी बेटी है प्रिंसेस जहाना, मेरा लड़का अंशराज। तो हम चारों जा रहे हैं, एक गाड़ी बुक किया हमने। तो मसूरी से आगे धनौल्टी पड़ता है, वहीं पे है सुरकंडा माता मंदिर। हम जा रहे हैं आज आशीर्वाद मांगने, ताकि मेरे जितने भी रिलेटिव हैं, मम्मी पापा, इनके मम्मी पापा, इनके रिलेटिव जितने भी हैं, हमारे मामा वगैरह जो भी हैं, हम दोनों के जितने भी हैं, सभी के लिए, बड़े बुजुर्ग सब के लिए हम आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं। प्रार्थना करेंगे कि सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा हंसी खुशी से हमारे साथ समय व्यतीत करें। जब भी हम उनसे दो बात करें, वो हमेशा स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। तो गाइज, फिर मिलते हैं गाड़ी में और फिर रास्ते में रास्ता दिखाएंगे आपको, हम अपनी गाड़ी दिखाएंगे, फिर वहाँ पर जब पहुँचेंगे और रास्ते में कहाँ कहाँ घूमते हैं वो भी आपको बताएंगे, ब्लॉग में डालेंगे। तो आप लोग हमें प्यार देते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। बाय गाइज, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बजरंग बली। देखिए हम अभी गाड़ी में बैठ गए। हाय अंश, देखो वीडियो चालू। अभी हम जा रहे हैं मसूरी के रास्ते होते हुए सुरकंडा माता को, और ये देखिए आगे चिड़िया। देखो इधर, ए चिड़िया, अच्छा नहीं देखना। अरे वो देखो मंकी, दो मिनट से जरा। ले लीजिए। तो अभी हम पेट्रोल पंप पे आए हैं। ब्लोअर तो नहीं चल रहा ना अभी? नहीं चल रहा। हम अभी आए हैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने। अरे यहाँ से पेट्रोल लेंगे फिर बढ़ेंगे आगे माता के दर्शन के लिए। चलेगी उधर, बंद करो भाई, कितनी देर लगेगी? ओके गाइस, यहाँ पेट्रोल नहीं मिला हमें, लेकिन 9 बजे के बाद चालू होगा। अच्छा CNG है, तो फिर आगे मिल जाएगी? आगे तो नहीं, ये लास्ट है। अच्छा, या फिर सहरसा रोड जाना पड़ेगा। तो फिर अभी क्या करेंगे? देखो मंदिर, ये भी दिखा, वही मंदिर है ना, दिखा दे। देखो हनुमान जी का मंदिर है, देखो उठ के क्या मंदिर दिखाई दे रहा हूँ आपको, वही मंदिर है। देखो हम कितना ऊपर आ गए, देखो नीचे, देखो कितना नीचे, देखो कितना नीचे, ठीक है।
रोड चल, तभी तो हम आए रोड पर से तो आए हम, चल चल कर तो रोड चुका, लेकिन दर्शन नहीं कर पाया। हाँ वही होता है। अब जैसे यहाँ अभी माता का मंदिर जो है, तो यहाँ पे मतलब हमें तो लगभग आइडिया नहीं था कि मतलब वहाँ जाते हैं घूमने, तो अचानक क्या हुआ कि अभी जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स होते हैं ना, तो वही बॉस बोले कि वो संडे को ट्राई किए थे जाने का, लेकिन क्या हुआ बर्फ गिरा था तो जा नहीं पाए, भीड़ लग गया था सैटरडे संडे तो वैसे ही बहुत टाइट होता है। हाँ तो फिर वो आए आइडिया दिए कि छुट्टी के दिन मत जाओ ऐसे न। प्लान बनाएंगे जोशीमठ जाने का। कितने घंटे लगते होंगे यहाँ से जाने का? प्रोग्राम बनेगा तो आपका 2-3-4 दिन का प्रोग्राम वहाँ जाने का, ये एक दिन में तो आप जोशीमठ ही पहुँच पाओगे सुबह से शाम तक। हाँ बच्चों के हिसाब से आप कैसे चल रहे हो उस हिसाब से, तो सबूत के तौर पे चाहिए होगा, और इसके अलावा इंटरेस्ट भी आपको देना होगा।
तो ये सब चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप बैंक में खाता खोल सकते हैं, डाकघर में बचत खाता खोल सकते हैं और समय समय पर इसके अंदर आप छोटी छोटी बचत कर सकते हैं। लेकिन इसके फायदे बहुत होंगे आपको आगे जाकर, आप अपने बच्चे के लिए जो खाता खोलते हैं उस पर। पैर ऊपर कर लो, ये पैर ऊपर का फिर पेट दुखेगा तुम्हारा। देखिए गाइस, जाते जाते हालत खराब हो गया, उल्टी से सीधे हो गए हैं। और ये देखिए गाइस, इधर हंस कैसा लग रहा है। हंस ऐसा है ना, एकदम पानी नहीं चलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रुकते रहे, स्टॉप लेते थे तो दिक्कत नहीं आती है। और आप लोग एकदम सीधा वहीं चलो बोल रहे हैं। ये हम सोचे कि पहले दर्शन ही हो जाता है ना तो अच्छा रहता है। नहीं होता क्या है ना, पूरा एक साथ बैठे रहोगे ना तो दिक्कत होती है। जैसे थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लिया ना रास्ते में, उतर के टहल टहल लिया तो फिर मेरा तजुर्बा ये है, मैं लोगों को लेके जाता हूँ, खाता हूँ, चला जाए फिर। हाँ चलते हैं। देखिए बर्फ का टीला, ये देखिए हमें मिला बर्फ का टीला।